अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए, और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को सबे मेराज बहुत 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 मुबारक हो। सो चलिए सहरी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सहरी में बना रहे हैं अंडे की भुर्जी। चाय यहाँ हमारी बन रही है और एक जगह आटा हमने निकाल के रख दिया और अच्छे से इसको भून लेंगे पहले। तो यहाँ हमारा पैन गरम हो चुका है, साथ ही हमने लिए हैं दो प्याज, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक टमाटर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ लिए हैं तीन अंडे। तो यहाँ हम चाय की फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पराठे रेडी नहीं हुए हैं, उसको लो फ्लेम पे चाय को हम पकाएंगे। तो यहाँ हमारा पैन गरम हो चुका है, मैं ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। पर यहाँ अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। हमारी चाय रेडी हो रही है स्लो पे, और हमारी प्याज यहाँ थोड़ी बहुत गोल्डन हो चुकी है। अदरक लहसुन डालेंगे इसमें थोड़ा सा, यहाँ हम चाय को ज्यादा नहीं पकाएंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे तक हमारे पराठे रेडी नहीं होते हैं। जब हमारे पराठे बन जाएंगे उसके बाद हम फिर से एक दो चाय को उबाल आने देंगे। तो यहाँ हमारी भुर्जी रेडी हो चुकी है, तो हम पराठे की तैयारी करते हैं। सो कोशिश करेंगे कि हम ये ब्लॉग को इफ्तारी तक ले सके। सहरी में देख रहे हो क्या बना रही, फिर देखते हैं इफ्तारी में क्या बनाते हैं हम। अभी नमाज शब बाकी है, तो हम ये रेडी करके वो भी अदा कर लेंगे। चलिए हम आटा रेडी करके आपसे मिलते हैं। तो हमारा यहाँ आटा एकदम से रेडी है, हमारा तवा गरम हो चुका है। अच्छे से फूल रही हमारी रोटियाँ। ये हमारा पराठा रेडी होगा अभी। तो यहाँ हमारी रेडी हो चुकी है भुर्जी, में हमने थोड़ा सा चीज़ डाले हैं गार्निशिंग के लिए। ये रही थोड़ी सी मलाई और शक्कर, और ये रहा पराठा। चलिए अभी हम हमारी बेटी को उठा लेते हैं सहरी के लिए। प्रिंसेस उठ जा मम्मा सहरी के लिए, एक खतीजा उठ जाओ सहरी के लिए उठ जाओ। तो चलिए आपको खाने के बाद मिलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। तो देख सकते हो आज की हमारी इफ्तारी है पाव, और ये गर्मा गर्म चाय और खीर। तो इंशाल्लाह खीमे की रेसिपी आप लोग को जल्द देखने मिलेगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल कुकिंग विद आरज़ू को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।